सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं और किस रूप में हो सकते हैं। उनमें से एक सेंटर है जेपीएन आईसी। महोदय, इसका जो मूल जो डीपीआर है वह केवल 265 करोड़ रुपए का यह आंका गया था और 265 करोड़ रुपए के डीपीआर के बाद इस पे 821 करोड़ खर्च हो गया, तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है, यह 6 साल से सरकार आई है लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे? 5 साल उससे पहले क्या कर रहे थे? गोमती रिवर फ्रंट। महोदय, गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति, जो पीपीआर बना था 167 करोड़ का, बाद में फिर डीपीआर 346 करोड़ या समथिंग कुछ और इन्होंने आगे पीछे किया। फिर 2015 में इसको बढ़ा करके लोग लेके गए 656 करोड़ का। फिर जून 16 में इसी योजना को, इसी डीपीआर की जो रिवाइज एस्टिमेट जो इन्होंने प्रस्तुत किया, कैबिनेट से पास किया, वह 1513 करोड़ का। और महोदय, 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य अधूरा का अधूरा पड़ा रहा। इसमें हमें आश्चर्य होता है, अनियमितता किस हद तक की। इसमें पीएसी का गठन किया गया, सीबीआई और ईडी के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है और जब इसमें हम लोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे तो अनियमितताएं जैसे डाइफाम वाल कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राइंग कराना, स्लज रिमूवल के में अनियमितता, 141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के कार्य को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना, डायफाम वाल के प्लेटफॉर्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त 4 फर्जी अनुबंध गठित किया जाना, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन में निर्धारित रीच से अधिक रीच में कार्य कराई जाना भी, ये सभी चीजें इसमें थी। यानी ये किस हद तक कार्य करते थे, कारनामे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और एक और कारनामा है, यद्यपि ये तो लंबी फेरस्त है और हर जिले में होगा, यहां पे यद्यपि सब जुडिस मामले को या फिर जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों को उठाते नहीं, लेकिन एक ध्यान आकर्षण के लिए बहुत आवश्यक भी है। लखनऊ बेंच का जो भवन बना है, महोदय, निर्माण कार्य में पैसा तो प्रदेश की जनता का लगाना, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ, यहां पे 30 जजेस बैठेंगे, यहां पे जब भी बैठेंगे, वर्तमान में 20 बैठते हैं लेकिन चेंबर कितने बनाए गए? 76 चेंबर बनाए गए। इसकी जो पीपीआर थी वह भी 346 करोड़ के आसपास की थी और बाद में बढ़ करके इस पे पहले 771 करोड़ इसको किया गया, फिर 1561 करोड़ इस पर खर्च किए गए और लाखों रुपया आज भी इस भवन के रख रखाव में खर्च होता है, केवल मेंटेनेंस पे खर्च होता है। अरे भाई साहब, इधर से यानी 76 चेंबर बने हैं, जजेस बैठ रहे हैं मात्र 20, बाकी 56 खाली और उनके मेंटेनेंस के नाम पे प्रदेश का पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, ये कारनामे किसी और के नहीं, ये विदेश से डिग्री प्राप्त कर रही किए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं। और इसीलिए ये प्रदेश के बारे में जो इतनी गलत धारणा बनी थी, जो यहां का नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, इन्हीं कारणों से छुपाता था। महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे थे,
माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे इसके बारे में भी, और कानून व्यवस्था की स्थिति किस रूप में थी, इससे कोई, यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है। खासतौर पर 2016 के सापेक्ष अगर 2022-23 में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर महोदय एनसीआरबी के जो डाटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये मेरे स्वयं के नहीं है, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के भी नहीं है, ये जो डाटा है यह एनसीआरबी के हैं, और उसमें खासतौर पर डकैती के मामलों में 80.31% की कमी आई है, लूट में 61.51% की कमी आई है, हत्या में 32.45% की कमी आई है, बलवा में 51.65% की कमी आई है, फिरौती में 43.18% की कमी आई है, और दुष्कर्म के मामलों में भी 21.75% की कमी आई है। महोदय 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि में अवैध कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था, और दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, और अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी, और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है, उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक का राज्य है जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई, और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई, इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई, और बाकी तो हर व्यक्ति जानता ही है उत्तर प्रदेश में। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now